my cute little angels, how are you all? Now I'm back with the continuation of the chapter number 1, preparation of food and plants, class 4. In my previous video, I told you the leaves are known as the food factory of plant and also as the kitchen of the plant. And I told you that only green colored leaves can make food which are having chlorophyll in them. Then what is the importance, what is the use of having chlorophyll and how do they make the food? Because making food, it's not so easy. As we want a lot of things to make food, we know we want spices, we want gas, we want vegetables. A lot of things are there now, a lot of ingredients are there to make food, right? As it is, the leaf wants a lot of things, yes, to make food. And the process by which the leaf makes food is known as photosynthesis. Yes, photosynthesis, the meaning of this word is just, first of all, understand the meaning of this word so that you can understand the whole process also, and it is very amazing and interesting. So photo means light, light means morning, matlab din mein hi khana ban raha hai, din mein, raat mein nahi. Next is to build. Okay, the process, the food, the leaves are making food in the presence of light is known as photosynthesis. And now I have told you it needs a lot of ingredients to make food, right? Just light is not enough and the green color chlorophyll is also not enough. So fir hame aur kya chahiye khana banane ke liye? The leaves want water, minerals and gases also. Just like we all know, we take out, we breathe, exhale carbon dioxide and intake kya lete hain andar, kaun si gas? ऑक्सीजन, यस. तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर निकाल रहे हैं, वी आर एक्सहेलिंग, वो प्लांट्स ले रहे हैं. यस, दिस इज द साइकिल, वी आर टेकिंग द ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स, ओके, एंड वी आर टेकिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड. दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन बाय लीव्स टू मेक फूड. इट इज अ वन मोर इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट. सो लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक फूड इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. अभी बताया ग्रीन कलर के लीव्स भी बनाएंगे खाना. ग्रीन कलर के लीव्स में क्या होता है? क्लोरोफिल एंड सनलाइट. सनलाइट दिन में खाना बनता है बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, राइट? अब ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि भाई ग्रीन कलर की जो लीव्स है वो ग्रीन कलर के लीव्स क्लोरोफिल की वजह से होती है. अब लीव्स के अंदर सनलाइट कैसे जाती है? लीव्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से जाता है और वाटर कहाँ से जाता है? उसके लिए यू मस्ट अंडरस्टैंड दीज थ्री पॉइंट्स कि इन तीनों के अंदर ये वाटर और ये चीजें जाती कहां से? लीव्स के अंदर. सो लेट अंडरस्टैंड, वाटर इज एब्सॉर्ब बाय रूट्स. यस, क्या अब रूट्स में कैसे? अब रूट्स में पानी एब्सॉर्ब हो रहा है, लीव तक कैसे जा रहा है? आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में सुना होगा, मैंने बताया था कि लीव्स में टाइनी होल्स होते हैं जो पूरे बॉडी के, पूरी प्लांट के पार्ट्स में घूम रहे होते हैं, उसी की हेल्प से खाना प्रिपेयर जो फूड होता है वो ट्रांसफर होता है ऑल दी पार्ट्स में. ऐसे ही जो हम पानी डालते हैं किसी पॉट में या प्लांट में, तो रूट्स में डालते हैं ना, तो रूट्स एब्जॉर्ब करती है उस वाटर को और लीव्स तक लेके जाती है. बिकॉज लीव्स वांट टू मेक फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर. लाइक वी कैरी अ लॉट ऑफ थिंग्स टू द किचन एंड मेक फूड ओनली इन द किचन. एज आई टोल्ड यू, लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट. सो नेक्स्ट इज क्लोरोफिल का क्या काम है? क्यों मैं ये बोल रही हूँ कि भाई ग्रीन कलर की लीव्स ही होनी चाहिए? क्योंकि क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट. यस, सनलाइट इन द डे टाइम वो सनलाइट एब्जॉर्ब कर लेता है क्योंकि वो जरूरी है फूड बनाने के लिए. नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब बाय लीव्स थ्रू स्टोमेटा. मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि व्हेन यू ऑब्जर्व द लीव, यू विल ऑब्जर्व टाइनी होल्स ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव, सो दे आर नोन एज स्टोमेटा. व्हाई स्टोमेटा इज इंपॉर्टेंट? स्टोमेटा इज एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड विच वी आर एक्सहेलिंग. आर यू अंडरस्टैंड? These three points are very important and let's understand the process of photosynthesis with the help of this reaction. I have made it over very clear and very easy. Carbon dioxide, I just told you, absorb कर लिया stomata. Okay, next is water. कहाँ से आया? Roots में से, leaf में. अब इन दोनों ने मिलके sunlight की presence में क्या बनाया? Glucose. Yes, the made food, prepared food है, that is known as glucose. अच्छा, उसे ग्लूकोज की बोल रहे हैं. ग्लूकोज है नहीं, बट टेस्ट ऑफ द फ्रूट्स, फ्रूट्स खाते हैं ना, दे आर लिटिल बिट स्वीटी इन टेस्ट, मीठे होते हैं ना, तो इसीलिए क्योंकि जो खाना वो बना रहे वो स्वीट खाना बना रहे, दे आर मेकिंग ग्लूकोज. तो जो फ्रूट को हम टेस्ट करते हैं वो सारा ग्लूकोज का ही बना होता है. उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो कैसे इतना स्वीट हो जाता है और उसमें सारी टेस्ट कहाँ से आता है. तो ग्लूकोज हो गया और ऑक्सीजन गैस
टेक आउट कर रहा है कहाँ से, स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटा से, ताकि वो ऑक्सीजन हम इनटेक कर सके. एंड वॉटर, व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, आप लोगों के लीव्स जो है हल्की हल्की सी वेट होती है. क्यों? क्योंकि वो वॉटर, अब उसने एक्स्ट्रा वॉटर बाहर निकाल दिया, जितना उसको चाहिए था ग्लूकोज बनाने के लिए, यूज इट एंड एक्स्ट्रा वॉटर उसने निकाल दिया. आई होप दिस टॉपिक फोटोसिंथेसिस वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टू, आपको समझ में आ गया होगा. एंड इफ यू हैव एनी डाउट और एनीथिंग इन योर माइंड, जस्ट टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन, डोंट हेसिटेट टू टेल मी एंड आस्क मी. नाउ आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी इंपॉर्टेंट वीडियो. टिल देन टेक केयर.